अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम। क्योंकि गर्मा शुरू हो गया है और गर्मा की गर्मी और शिद्दत में आइसक्रीम खाने का कुछ अपना ही मज़ा होता है और बच्चे और बड़े इसको बहुत शौक से खाते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए मैं ली हूँ कुछ बादाम और काजू कटे हुए, बारीक कटे हुए, और अमूल क्रीम है ये 250 ml, अमूल फ्रेश क्रीम 250 ml लेना, और इसको ठंडी होने तक फ्रिज में रखना, ठंडी होने के बाद यूज़ करना। और बटर स्कॉच एसेंस मिलता लेकिन मुझको नहीं मिला, उसके बदले में वनीला एसेंस डाल रही हूँ। और ये 50 ml है मिल्क मेड, ये घर का बने हुआ है। इसके लिए इसकी वीडियो में मेरे चैनल पर डाली, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डालूँगी। और थोड़ा सा फूड कलर के लिए मैं ली हूँ येलो फूड कलर, और कैरेमल क्रंच के लिए मैं ली हूँ 50 ग्राम शक्कर। कैरेमल क्रंच जब बनाते, जब अमूल बटर यूज़ करते 1 टेबल स्पून, इसके लिए मैं ये रखी, और इसमें जब डालते वक्त बताऊँगी आपको। और ये खाने का सोडा है, ये 2 पिंच है। जब कैरेमल क्रंच बनाते हैं जब ये डालेंगे, इससे बहुत क्रिस्पी होता। चलिए कैरेमल क्रंच बनाने के लिए मैं रख दी हूँ एक पैन गर्म हो गया, और इसको फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमे फ्लेम पे हम इसको मिलाते हुए पकाएंगे। इसको धीमी आंच पे हम मिलाते हुए पका लेंगे। इसको केयरफुली धीमे आंच पे ही पकाना है, लेकिन बीच बीच में 1-2 बार फ्लेम को कुछ सेकंडों के लिए तेज करी पैन गर्म होने के लिए। इसको कंटिन्यू मिलाते हुए पकाना है। चलिए सारे शक्कर डिजॉल्व हो गए, अब इसमें 2 टीस्पून भर के बटर डालेंगे। बटर तकरीबन डिजॉल्व हो गया, अब इसमें जो ड्राई फ्रूट काट के रखे थे वो डालेंगे, और हल्का सा ब्राउन होने पर ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 पिंच खाने का सोडा, हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, डार्क होने तक नहीं पकाएंगे, कसालापन आ जाता कैरेमल में। चलिए हमारा कैरेमल क्रंच तैयार है, अब उसको प्लेट में निकालेंगे। मैं एक सिल्वर की थाली ले ली और इसको ऑयल से ग्रीस कर ली। थाली पे डालने के बाद गरम रहने वक्त ही इसको फैला लेंगे। इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। चलिए हमारा कैरेमल ठंडा हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना और आसानी के साथ निकल गया। अब इसको हम तोड़ के इसको मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब इसमें जो हम 150 ml मिल्क में रखे थे वो मिल्क में डाल देंगे। अब इसमें बटर स्कॉच एसेंस नहीं मिलने की वजह से मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसमें थोड़ा सा वो 1 चुटकी येलो कलर, एक से 1.5 मिनट इसको फिर से बीट कर देंगे। एक से
से डेढ़ मिनट मीडियम फ्लेम मीडियम स्पीड पर इसको बीट कर। इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। अगर बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और 2 घंटे के बाद फिर एक से डेढ़ मिनट के अंदर इसको फिर बीट करेंगे। एक प्लास्टिक के कवर में इसको डाल देंगे और इसको मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। बेलन की मदद से इसको बारीक बारीक में थोड़ा मोटा मोटा चलिए हमारा कैरेमल क्रंच तैयार हो गया। चलिए 1 से 1.5 घंटा हो गया, फिर एक बार इसको हैंड ब्लेंडर से इसको बीट कर लेंगे। थोड़ी सी जमी आइसक्रीम और 1 मिनट इसको हैंड ब्लेंडर से बीट कर लेंगे। मीडियम स्पीड पे उसमें अच्छे से झाग फॉर्म हो गया। अभी जो कैरेमल क्रंच हम बना के रखे थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। फिर से हम उसी तरह से बटर पेपर से कवर कर देंगे। अच्छे से मैं बटर पेपर से इसको कवर कर दिया। अब फ्रिज में रख देंगे। अब 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। चलिए 8 से 9 घंटे तक मैं फ्रीजर में रखी। 8 से 9 घंटे हो गए। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी जमी आइसक्रीम और इसके ऊपर से जो हम बटर पेपर लगाए थे बटर पेपर निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाने से इसका क्रिस्टल्स नहीं जमता आइसक्रीम में। ओके माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हुई। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है।
माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार है, आप सेम इसी तरह से बना के देखिए। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी। जो हम कैरेमल क्रंच रख लिए थे थोड़ा सा बचा के इसके ऊपर से डाल देंगे। टेस्ट में जायके में बहुत ज़बरदस्त है। चलिए मेरी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।